बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलामु अलैकुम, इट्स मी सर नबील अहमद। आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट की पहले पहचान सुन लें। कोई ऐसा काम जो हमने पहले किया हो और उसका प्रूफ अब तक मौजूद हो या कोई अलामत अब तक मौजूद हो, वो प्रेजेंट परफेक्ट कहलाता है। मिसाल के तौर पर मैंने शाम में खाना खाया था और अब तक मेरा पेट भरा हुआ है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट में ही बोलूँगा। कैसे? मैंने खाना खा लिया है, और इन केस मेरा जो है पेट में जो है वो नहीं है, मिसाल के तौर पर भूख दोबारा लग गई मुझे, तो फिर मैं बोलूँगा मैंने खाना खाया था, तो वो दूसरा सेंटेंस होता है पास्ट सिंपल, वो भी मैं इंशाल्लाह आपको पढ़ाऊँगा। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट को पहले समझें, ठीक है। कोई ऐसा काम, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कोई ऐसा काम जो हमने पहले किया हो उसका प्रूफ अब तक मौजूद हो या कोई अलामत अब तक मौजूद हो, उसको प्रेजेंट परफेक्ट कहते हैं, ठीक है। देखें, एक एग्जाम्पल, लाइफ एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। ये मैंने दरवाज़ा बंद किया है, दरवाज़ा अब भी बंद है, तो मैं कहूँगा मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया है। अगर दरवाज़ा बंद है तो मैं इसको प्रेजेंट परफेक्ट में काउंट करूँगा, ठीक है। अच्छा, अब ये दरवाज़ा खुल गया, तो मैं ये जुमला कह सकता हूँ मैंने दरवाज़ा बंद किया था पर अब तो खुला हुआ है ना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर ये बंद होता तो मेरे पास प्रूफ भी है, दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट, मैंने दरवाजा बंद कर दिया है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कोई ऐसा काम जो हमने पहले किया हो पर उसका प्रूफ अब तक मौजूद हो, वो प्रेजेंट परफेक्ट होता है, ठीक है। देखें, एक और एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। देखें ये क्या लिखा हुआ है, प्रेजेंट, ठीक है। अच्छा, अब मुझे यकीन है अब भी लिखा हुआ है, मैंने दो तीन मिनट पहले लिखा था बट यहां पर लिखा हुआ है, तो मैं ये प्रेजेंट परफेक्ट में कह सकता हूं इसको कि मैं लिख चुका हूं या मैंने लिख लिया है या मैंने लिखा है, प्रूफ है, चुका है, चुकी है, चुके हैं पे नहीं जाइएगा। हाँ, ये कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाते हैं, जब चुका है आ जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट है, जब चुकी आ जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट है, जब चुके आ जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। होता है पर 10-20%, 100% नहीं होता। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा, अब देखें, मैं ये मिटा देता हूं, अब कहां गया? नहीं है, तो मैं ये जुमला प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं कहूंगा, ये जुमला पास्ट सिंपल में कहूंगा कि मैंने लिखा था। Are you getting my point? I will teach you past simple. मैं बाद में आपको पढ़ाऊंगा past simple. आए इसका word order देखते हैं। ये देखें, ये इसका word order है, subject plus have as. Have और has में choice करनी होती है। मैं आपको यहां भी ये भी लिख दूं, have किसके साथ लगेगा, has किसके साथ लगेगा, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ये देखें, जब हम एक से ज्यादा की बात करते हैं तो have लगता है, जब हम एक की बात करते हैं तो has लगता है। ये देखें, जब सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा तो has लगेगा, जब प्लोरल सब्जेक्ट आएगा तो have लगेगा। अच्छा, जब आए और यू भी आ जाए तब भी have लगेगा। देखिए, मैंने यहां लिख दिया है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए होगी हमें, फिर एक्स्ट्रा वर्ब जो भी हो, ठीक है, इसके सेंटेंसेस बनाते हैं। देखिए, ये मैंने चार तरह के सेंटेंसेस लिए। यहां मैंने चुका है, चुकी है, चुके हैं के कॉन्सेप्ट पर बात नहीं की, ये सारे प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंसेस हैं। देखें, सर नबील आ चुके हैं, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट है। आप चले गए हैं, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट है। उसने पढ़ लिया है, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट है। शाजेब ने खाना खा लिया है, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट है। बट हर जुमले में चुका है, चुकी है, चुके हैं तो नहीं आया ना, मुझे यही प्रूफ करना था, ठीक है। अच्छा, ये देखें, इसकी इंग्लिश बनाते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए होता है सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट क्या है? सर नबील। ये देखें, इसमें हमें
सब्जेक्ट तो मिल गया इजीली, अब हैव और हैज में चॉइस करनी होगी। हैव किसके साथ लगता है, हैज किसके साथ लगता है, मैंने यहां लिख दिया। जब हम एक की बात करेंगे तो हैज लगेगा, और एक से ज्यादा की बात करेंगे तो हैव लगेगा, और आई और यू की जब जब बात करेंगे तब भी हैव लगेगा। अब यहां मैंने एक की बात की है, एक से ज्यादा की बात की है, मैंने एक की बात कट की। सर नबील एक है, आप देख सकते हैं, कोई और सर नबील नहीं है। Are you getting my point? अब सर नबील एक है तो क्या लगेगा, हैव लगेगा, हैज लगेगा। वेरी गुड, ये देखें सर नबील हैज। अच्छा, फिर हमें थर्ड फॉर्म सेलेक्ट करनी, यानी पहले वर्ब सेलेक्ट करना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। अच्छा, वर्ब क्या है इसमें, आ चुके हैं। आने को क्या कहते हैं, कम। कम की सेकंड फॉर्म कैम, थर्ड फॉर्म कम, यानी कम की फर्स्ट फॉर्म जो है वही थर्ड फॉर्म है कम। तो हमने यहां लगा दिया कम। सो नबील हैज कम, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, आप चले गए हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट क्या है इसमें, यू। इसके बाद अब हमें चॉइस करना है हैव और हैज। जब हम बात करते हैं एक की तो हैज लगाते हैं, जब एक से ज्यादा की तो हैव, और आई और यू की तब बात करते हैं जब भी हैव लगता है। अब यहां मैंने किसकी बात हो रही है, यू की। यू के साथ क्या लगेगा, हैव। देखिए यहां लगा हुआ, ये रहा यू हैव, ठीक है। अब हमें वर्ब चाहिए, इसमें वर्ब क्या है, वर्ब है जाना, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, जाने को कहते हैं गो। गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट, थर्ड फॉर्म होती है गोन। तो फिर यहां लगेगा यू हैव गोन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, दीज ऑल आर वेरी इजी। अब तीसरे जुमले की तरफ चलते हैं, उसने पढ़ लिया है। अब पहले तो यह सलाह करना है लड़की है लड़का है, चलें आप बताएं लड़का या लड़की, नहीं पता चल रहा। इट इज डिपेंड ऑन अस, जो हमें लेना है वो ले लें, लड़की या लड़का, हम ही लेते हैं। फिर हैव और हैज में चॉइस करनी है तो हैज ही लगेगा, यू नो वेरी वेल, बिकॉज द थिंग इज दैट एक की बात हो रही है। अब चाहिए हमें वर्ब। वर्ब क्या है इसमें, पढ़ना, पढ़ने को कहते हैं रीड, और रीड की सेकंड फॉर्म भी रीड होती है, थर्ड फॉर्म भी रीड होती है, बट हम उसे बोलते रेड है, आर ई डी रेड, बट उसकी स्पेलिंग आर ई ए डी ही आती है, यानी रीड, लेकिन उसको बोलते रेड है। शी हैज, शाहजेब ने खाना खा लिया है। अब सबसे पहले हमें सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट क्या है, शाहजेब। अब इसके बाद हैव और हैज में चॉइस कर दिए तो शाहजेब एक है तो फिर हैज आ जाएगा, शाहजेब हैज। फिर वर्ब चाहिए, अब इसमें वर्ब क्या है, खाना खाना, जो हम खाना खाते ना, वो खाना नहीं जो पड़ा हुआ खाना मौजूद होता है दस्तरखान पर, वो खाना नहीं, खाने को खाना उसको कहते हैं ईट। तो और थर्ड फॉर्म क्या होगी, ईटन। शाहजेब हैज ईटन, अब खाया क्या उसने, खाना, खाने को क्या कहते हैं जो दस्तरखान पर मौजूद होता है, फूड। शाहजेब हैज ईटन फूड, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, दीज ऑल आर वेरी इजी। एंड द थिंग इज दैट उर्दू बस पहचान ले, चुका है चुकी है के चक्कर में नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसका और तफसीली बताऊंगा कि पास्ट सिंपल के कौन से सेंटेंसेस होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट के कौन से सेंटेंसेस होते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में। अच्छा, इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव भी आपको मैं ऐसे ही बता देता हूं, जस्ट हैव और हैज के बाद नॉट का इजाफा होता है। अगर मैं ये जुमला कहूं सर नबील नहीं आ चुके हैं, सर नबील हैज नॉट कम, बस।
और कहता हूँ आप नहीं चले गए हैं, मतलब आप नहीं गए हैं, तो यू हैव नॉट गॉन करना है। और इंट्रोगेटिव में क्या होगा, हैव और हैज पहले आ जाएगा। मिसाल के तौर पर, क्या सर नबील आ चुके हैं, हैज सर नबील कम। क्या आप चले गए हैं, हैव यू गॉन। नेक्स्ट, उसने पढ़ लिया है, हैज ही रेड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो इंट्रोगेटिव भी बहुत आसान होते हैं। तो ये लेक्चर बहुत आसान था, आई होप आपको समझ आया होगा, और इन केस फिर भी समझ ना आया हो तो मुझे कमेंट के जरिए बता दिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।